हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग स्टार्ट होने वाला है वो हो रहा है गाइस गोइंग टू इन खाटू श्याम। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम, मैं, मम्मा, पापा और भाई, हम सारों ने मतलब टिकट बुक करी थी खाटू श्याम के लिए। हम रेल से जा रहे थे बेसिकली, तो ये हम बैठे हैं। फर्स्ट टाइम ये हमारा मतलब एक्सपीरियंस होने वाला था, रेल का भी ये फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है हमारा। तो देखते हैं कैसी होती है हमारी ट्रेन जर्नी, तो आप लोग ऐसे बने रहना। और तो मैंने सोचा कि आपके साथ ब्लॉग शेयर कर दें तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम भी थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे, क्योंकि हम भी तो आप भी तो हमारी यूट्यूब फैमिली हो ना। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 200 सब्सक्राइबर का हमारा गोल है, ठीक है। तो जल्दी से उसे कंप्लीट करा दो। पहले 500 था, अब मैंने उसको कट करके पहले 200 कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी रेल, इसमें हम बैठ गए हैं जाकर, मतलब ठीक ठाक थी, इतनी खास भी नहीं थी, बट ओके। उसके बाद मैं घर से ही बनवा के लेकर आई थी ये मैगी, क्योंकि मैंने ऑफिस आई थी, मैंने कुछ नहीं खाया था, तो फटाफट से मैंने मैगी खाई और इतनी डिलीशियस थी। और इसका भी एक अलग से व्लॉग आ चुका है, व्हाट आई ईट इन अ डे, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये अंकल थे यार, ये अंकल ने ना इतनी अच्छी जर्नी निकलवाई, बस पूछो मत। पूरे टाइम खाटू श्याम के गाने गा गा कर, श्याम बाबा के गाने गा गा कर उन्होंने पूरी जर्नी कैसे निकलवा दी ना ये। तो ये ना 7:40 तक हमें पहुंचा देती है वाली ट्रेन, बट 10-15 मिनट थोड़ी लेट हो गई थी, तो हम 8:10 तक पहुंचे थे वहाँ पर। तो ये बीच में मैं दिखाते हुए चल रही थी आपको थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा जितना मैं शूट कर पाई, क्योंकि मुझे ना बेसिकली इन्जॉय करना था, सो इन्जॉय के साथ साथ आपको दिखाना भी था। तो थोड़ा थोड़ा जो मैं शूट कर पाई हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया। वैसे बहुत ज़्यादा ही शूट किया है, क्योंकि ये खाटू श्याम वाला जो व्लॉग है वो 3 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि मैं एक पार्ट में इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप सारे पार्ट 1 by 1 देखना, और मुझे प्लीज़ 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 फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो यार, बहुत सारा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपकी सपोर्ट की। और मुझे पता है आप लोग करा दोगे मेरे 500 का गोल का जो मैंने रखा है, आप मुझे उसे कंप्लीट करा दोगे, मुझे पता है। तो उसके बाद हम उतर गए थे रिंगस जंक्शन पे। तो रिंगस उतरते फिर हमने यहाँ से ऑटो ले लिया था, और ऑटो वाले ने हमें उतार दिया यहाँ पे तोरण द्वार में। तो ये जो जो भी थे, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं आप, कमेंट करके बताना क्या कर रहे थे वो। तो ये था हमारा होटल, मैंने दिखा दिया ना, वैसे मैं चाहती तो नहीं थी दिखाऊं, बट फिर भी मैंने दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सर थोड़ी किया है, बट फिर भी मैंने दिखा दिया कि ये हमारा होटल था जिसमें हम स्टे किया था। और होटल के बाद फिर हमने ये हम डिनर घर से बना के लेकर आए थे, तो हम सारे यहाँ बैठ के डिनर कर रहे थे, बहुत थक गए थे गाइस। तो फिर हमने फटाफट डिनर किया, और मतलब मैं वीडियो शूट कर रही थी थोड़ा सा, तो हमने फटाफट डिनर किया, ये मेरा भाई था। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लेट गई रेस्ट करने के लिए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गए थे, ये लोगों का चल ही रहा था अभी भी डिनर, मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि मैं वैसे भी ट्रेन में मैंने वो मैगी खा ली थी, तो बस उससे हो गया था ऑलमोस्ट। तो अब मतलब थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर खाया था, ज़्यादा नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यार। अगर बाबा ने मुझे बुलाया तो मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगी, और दोबारा भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि हम नाइट में आए थे, तो अगले दिन हम मॉर्निंग में फिर उठ गए थे जल्दी। मैं तो यार 5 बजे उठ जाती हूँ एज़ यूज़ुअल, यहाँ पे भी और अपने घर पे भी, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। और ये मैंने मतलब घर से कपड़े लेके आई थी गर्म, तो ये मैंने कपड़े पहने हुए थे, और घर से हम कंबल भी लेके आए थे, कि सब ऐसे कह रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होगी, ठंड होगी, ये होगा वो होगा, तो हम घर से कंबल वम्बल भी लेकर ही चले थे अपने साथ। तो ये कंबल हमने अपने नीचे लगा दिए थे, ब्लैंकेट के ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लिया था, तो काफ़ी सही रहा यार ये। और उसके बाद फिर हमने खाए ये फ्रूट, क्योंकि यार चाय आने में तो टाइम था, 7:30 बजे उन्होंने बोला था, तो चाय तो आई नहीं थी, तो हमने थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे। ये उसी मतलब मैं कॉल ही किया था, मैंने दोबारा कॉल किया, तो उन्होंने कहा 7 बजे नहीं आएंगे, 8 बजे के अप्रॉक्स आएंगे। तो फिर हमने ये फ्रूट्स निकाले थे, तो यही हम लोग खा रहे थे, थोड़ा बहुत खा लेते हैं इसको, और क्या ही कर सकते, क्योंकि भूख लग रही थी यार रात को भी हमने, मतलब थोड़ा ही मैंने खाया था, ज़्यादा खाया नहीं था। और ये मेरे पापा इतने मज़े से सो रहे थे गाइस, मतलब पूरा फुल अगर पैसा वसूल किसी ने किया है तो मेरे पापा ने किया है, तो कमेंट कर देना पापा के लिए एक लाइक, तो यार एक हर्ट तो बनता है ना, ठीक है। तो आप एक हर्ट कमेंट कर देना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप लोग भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जल्दी से 500 का सब्सक्राइबर का जो गोल है ना उसे कंप्लीट कराइए, क्योंकि मैं मतलब मुझे पता है कि मैं रेगुलर नहीं डाल पाती हूँ वीडियो, बट जैसे जैसे मैं सोचती हूँ, ताकि मेरे पास कंटेंट नहीं होता इससे मैं नहीं डालती, तो मैं सोचती हूँ कि आपके लिए कोई कंटेंट अच्छा होगा तो मैं डालूँगी, ठीक है। मुझे पता है कि इतनी इसमें मैंने बातें बोल दी है ना, इतना फुल ब्लॉग कोई नहीं दिखेगा,
बट मुझे भी पता है कि आप लोग देखोगे। तो ये मुझे थोड़े से एसेसरीज मिली थी, हाँ मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मिलेगा, तो मैंने मिला। फिर फाइनली मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए, थी मेरा आउटफिट। और इसके लिए भी गेट रेडी विद मी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट गेट रेडी विद मी था, तो बताना आप लोग कैसा था। अगर कुछ मिस्टेक्स है तो मैं नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो ये मतलब मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पर मतलब चाय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर दे चुकी थी, तो यहाँ चाय आने का वेट चल रहा है। और ये मेरे झुमके हैं, ये गिफ्टेड है यार, बट मैं बता नहीं सकती, मैं रिवील नहीं कर सकती नेम, बट हाँ ये मेरे गिफ्टेड है और मेरे स्पेशल वन ने मुझे गिफ्ट किया है। सो ये हम फिर उसके बाद फिर मैं ये हिमांशु वेट कर रहे थे, उसके बाद फिर आ गई थी चाय, जो हम घर के ही लाए हुए नवरत्न पैकेट से ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि नवरत्न पैकेट हम लेकर आए थे बेसिकली कि ट्रेन में खा लेंगे, बट ये बच गया था, तो फिर हमने चाय के साथ सुबह यही कर लिया था, फिर हमें बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ा एक्स्ट्रा। ये चाय यार, ये 20 रुपीज़ का इतना सा कप था और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी, मेरा मुँह देख लो आप लोग, इतनी सी भी टेस्टी नहीं थी यार ये, इतनी मतलब कोई कैसे इतनी घटिया चाय बना सकता है, ये तो मेरे से भी बुरी थी यार। मैं भी चाय बनाती हूँ, मतलब बुरी बनाती हूँ, पर इससे तो बेटर बनाती हूँ मैं। फिर हमने चाय वगैरह पी, थोड़ी सी नमकीन खाई, चाय पी, और ये सारे मेरे भाई मतलब मेरे भाई मेरे पापा मम्मी सब चाय पी रहे थे। उसके बाद फिर हम निकल गए थे फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद बाहर खाटू श्याम जाने के लिए। तो मतलब होटल से तोरण द्वार तक की जो दूरी थी ना, वो 10 मिनट्स की दूरी थी, तो होटल से मतलब तोरण द्वार आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम मतलब वही उस डिस्टेंस को कवर कर रहे थे। और आप लोग भी गाइस मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन खाटू श्याम में कितनी कितनी बार गया है, क्योंकि मुझे ऐसा सुनाई दिया है, मतलब मुझे ऐसी खबर मिली है कि एक बार कोई जाता है तो वहाँ फिर वो बार बार जाता ही रहता है, जाता रहता है, तो क्या इस बात में सच्चाई है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम पहुँच गए थे फिर तोरण द्वार, यहाँ पर चल रहे थे फोटो सेशंस। यार इतना म्यूज़िक था कि मुझे जो ओरिजिनल साउंड है बंद करनी पड़ी, और फिर इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती मतलब आपको पता ही है यहाँ पर ज़बरदस्ती ये राधे राधे, फिर मेरे को लिखवाना भी था तो फिर मैंने लिखवा लिया, और मैंने भी लिखवाया, मतलब मैंने सबको लिखवाया, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, और एक आंटी तो ज़बरदस्ती मतलब ये तो मेरे लगा ही रहे हैं, एक आंटी आई और उन्होंने फिर ज़बरदस्ती मेरे पापा और मेरे भाई को भी लगा दिया कि वो उधर लगा रहे तो तुम इधर लगवा लो मेरे से। तो मतलब ऐसा था, मतलब बड़ा मतलब हर जगह यहाँ पे सिर्फ पैसे 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 मांग रहे थे हम लोगों से। और उसके बाद फिर हमने लगवा लिया था, यार मेरे को इतनी खुशी हो रही थी यार, जब आप अपने पैसों से कहीं जाते हो ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। कभी आप लोगों को पता नहीं मुझे फ़ील हुई है नहीं हुई है, लेकिन मुझे इस बार बहुत फील हुई जब मैंने अपने अपने पैसों से अपनी फैमिली को घुमाया ना यार, उसकी खुशी ही अलग थी। तो ये हम फटाफट सब रेडी हो रहे थे जाने के लिए, फिर हमने यहाँ से रिक्शा ले गए, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो अब ये व्लॉग कंटिन्यू होगा आगे।